नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, रिश्तों की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है लव लाइफ में, ये 19 मतलब आज से लेके 19 तारीख से लेके 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फिर आपकी, और फिर देखेंगे वो खुद क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है शायद उतनी ही आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपने उसको खुद के साथ रेजोनेट करवाने की कोशिश की और रेजोनेट नहीं किया, फिर आपने कुछ भी बोल के मतलब चले गए चैनल में ये वो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बात आप ही के लिए हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है लिब्रा आप जिनके साथ रिश्ते में हो, फिलहाल रिश्ते में थोड़ी सी परेशानी का माहौल है ऐसा लग रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ मैं टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। टेन ऑफ वॉन्ड्स बंदा या बंदी बहुत ज्यादा बर्डन में है, जिम्मेदारी की बोझ, घर के जिम्मेदारी, काम के जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, ये सारा चीज ये बंदा उठा रहा है, लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा है कि अपने लिए अच्छा कुछ सोचना चाहिए। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत परेशान कर रहा है उनको, जो उनके पास है उससे ये खुश नहीं है। हो सकता है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, उससे काम नहीं चल रहा है, तो इस वजह से बंदा थोड़ा परेशान है, बंदा या बंदी। ये किसी की मदद से अपने काम को, अपने जॉब, चाहे बिजनेस हो, नया काम करना हो, बिजनेस डालना हो, इन चीजों के बारे में किसी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं कि किस तरीके से अपने काम को और एक्सपेंड किया जाए। साथ ही साथ इनको ये लग रहा है कि लक तो इनका साथ नहीं दे रहा है, लक का साथ मिल जाता तो जो ये कर रहा है उसमें भी इनको कामयाबी मिल जाता, लेकिन लक उनका साथ नहीं दे रहा है तो लक का इंतजार कर रहा है कि कब लक का साथ मिलेगा और सडन कुछ गेन होगी, चीजें चेंज होगी, बाजी पलटेगी और किस्मत का साथ मिल जाएगा। तो जैसा ये सोच रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं वो उनको मिल जाएगा। इसके लिए ये कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है, मेहनत करना, किसी के साथ मिलके काम करना, इन चीजों के साथ ये जाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर और जो प्रेजेंट की जो स्थिति है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो और इनहेंस हो।
क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ते में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहा है इन दिनों, ये कुछ हद तक फिनेंस के लिए आ रहा है, कुछ हद तक इनके लक इनका साथ नहीं दे रहा है, इसकी वजह से ये परेशानी देख रहे हैं। और जहाँ तक रिश्तों की बात है, रिश्ते में इनको लग रहा है कि इन्हीं के साथ ऐसा होता है, इनको धोखा मिलता है, इनसे बातें छुपाया जाता है, किसी ने इनको ऐसा कुछ बोल दिया। मतलब अगर आपने कहा होगा लिब्रा, तो वो उन बातों से भी परेशान है, उनकी नींदें हराम है, रात की नींद खराब है, वो रात में सो नहीं पा रहा है। किसी और की वजह से ऐसा हो सकता है कि किसी ने उनका दिल तोड़ा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इस तरीके की स्थिति सारे चीजों ने उनको घेर के रखा है। अभी हर चीज की बोझ उनके सर पे है, रिश्तों की, रिश्ते निभाने हैं, जिम्मेदारी निभाना है, काम करना है, पैसे जुटाने हैं, ये सारे बोझ से पूरी तरीके से बंदा या बंदी जकड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उम्मीद है उनको कि चीजें बदलेगी, हालात बदलेगी, इस सोच के साथ ये मेहनत करने के लिए राजी हैं, हर तरीके की, रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी, हर तरीके की मेहनत ये करने के लिए सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लिब्रा, फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप खुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, दुखी हो, कभी आपको किसी ने दुख दिया था उस बात से आप परेशान हो, या फिर रिश्तों में आपको इग्नोरेंस मिल रहा है इस बात से आप परेशान हो। लेकिन अगर आप थोड़ी सी देख लेते हैं, फाइव ऑफ कप्स को हम क्लियरिफाई करेंगे। अगर आप थोड़ी सी अपने सोच को बदलो, नजर को घुमाओ, कहीं किसी और तरीके से अगर आप सोचते हो रिश्ते को, तो आपको रिश्ते में पहले जैसा वो प्यार, वो एहसास ये नजर आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले कुछ वजह से, बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, कुछ वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया था, या फिर जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उन लोगों के रिश्ते में प्यार जैसे गायब हो गया है। लेकिन अभी आपको प्यार करने के लिए कोई बोल रहा है या इंसिस्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे प्यार करना चाहिए, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एक तो आपको अपनी पुराने याद, पुराने रिश्तों की याद सता रहा है। अगर आप किसी पुराने बंदे के साथ हो और नो कांटेक्ट में हो, तो आपको ये लग रहा है कि मुझे वही रिश्ता चाहिए। जो लोग पुराने रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, जिनको पुराने रिश्ते चाहिए, उनके रिश्ते में कम्युनिकेशन भी चाहिए, आपको लगता है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, ये तो मेरे सोलमेट है, इसके साथ मेरे सोल कनेक्शन है, जैसे मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करता हूँ या करती हूँ इनके साथ, तो रिश्ते ऐसे कैसे हो सकता है कि रिश्ते में कोई जान ही नहीं है। आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आपको लगता है मैंने पहले इनके साथ ऐसा किया था, उसका परिणाम अभी मुझे मिल रहा है, अभी ये मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि जो चीज आपको पहले करनी चाहिए थी वो आपने नहीं किया, तो अभी आपको वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन ये गलत है। अगर आप थोड़ी सी अपनी नजरों को घुमाओ, आप अपनी सोच को बदलो, तो आप देखिएगा जो जहां था वो चीज वैसा के वैसे ही है, वो कहीं नहीं गए। आपको सिर्फ अपनी नजरों को बदलनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, आपका जो पुराना प्यार है जैसा है वैसा ही है, क्योंकि आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उनको धोखा मिल रहा है, आपको भी लग रहा है कि अरे पुराना चार्म खत्म हो गया है, अभी तो ये मुझे उतना प्यार नहीं करते हैं, ये सोच के आप
परेशान हो रहे हो, साथ ही साथ आप अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए भी दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, अगर मेरे पास पैसा होगा, पोस्ट होगा, पोजीशन होगा, तो कोई भी मेरे पास आएगा और पुराने बंदे भी आएंगे। ऐसे बात नहीं है, आप अपने सोच से ऊपर उठिए, सोच को बड़ा कीजिए, क्योंकि जो जिस सोच में रहता है उनका काम भी उस तरीके से चलता है। आप अभी तक पुराने सोच में अटके हुए हो, मुझे इग्नोरेंस मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, आप मुझे प्यार चाहिए, मुझे पुराना रिश्ता चाहिए, मेरे साथ उनका दिल का कनेक्शन है पूरा है, ये ऐसा ये सोच रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि इनके पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारी है, पैसे हैं, काम है, काम की जिम्मेदारी, पैसों की जिम्मेदारी, इससे बंदा खुद ही परेशान है। और आपको लग रहा है कि आपको प्यार नहीं कर रहा है, आपको इमोशन नहीं दिखा रहा है, आप उनकी कही हुई कुछ बातों से परेशान है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो जैसा था वैसा ही है, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा और आपको कोई शिकायत भी नहीं होगी। करंट एनर्जी आपका बहुत अच्छा है, आप क्लैरिटी चाहते हो, बात करके चीजों को क्लियर करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, अगर आप वर्क प्लेस में किसी के साथ रिश्ते में हो, तो आप कम्युनिकेशन चाहते हो, लेकिन कम्युनिकेशन चाहने के साथ साथ आपको पुरानी चीजों को छोड़नी पड़ेगी, पुरानी सोच को। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या चाह सकते हैं। आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये बंदा या बंदी, मैंने कहा ना कि ये सही वक्त का इंतजार कर रहा है, परेशान है फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सारा जिम्मेदारी भी है इनके सर पे। ऐसा नहीं कि एक प्यार या शादी ही सब कुछ है, इनके साथ और भी जिम्मेदारी जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी परेशान है। लेकिन बार बार ये बंदा एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है आप लोगों का जिनका नो कॉन्टेक्ट है, और साथ ही साथ ये बग बदलने का भी इंतजार कर रहा है कि लक कब इनका साथ देगा। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। रिश्ते में परेशानी है, जिन लोगों का भी एनर्जी आ रहा है, ये लोग बहुत पुराने रिश्ते में है, ओल्ड सोल है, सोल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी रिश्ते में परेशानी है। ये बंदा भी ऐसा सोच रहा है, बैक टू बैक दो दो मेजर अर्कना के कार्ड, ये अपने अंदर हिम्मत रख रहा है, क्योंकि ये आपकी सोच से बहुत ज्यादा परेशान है। कभी आप ये सोचते हो, कभी आप वो सोचते हो। देखो तीन तीन मेजर अर्कना के कार्ड, दिस इज नॉट अ जोक, बहुत बड़ा कुछ मेजर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है, आपके पर्सन के तरफ से आया है। एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है, या आपके भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते के लिए ये कार्ड आया है। नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हर्मिट स्ट्रेंथ एंड सन के कार्ड के साथ। जो रिश्ता स्टक हो गया था, रुक गया था, उस रिश्ते में जान आ रहा है, अचानक से कुछ ऐसी खुशखबरी ये आपको देने जा रहा है आपके पर्सन, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, लेकिन अभी आपके सामने ये खुशखबरी आने जा रहा है। दूसरी चीज जो है, जो स्टकनेस था उसे खत्म करने के लिए ये कोशिश करेगा, ये आपके तरफ आएंगे, बातें करेंगे, जैसे कि आप कम्युनिकेशन चाहते हो ना, कि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, चीजें क्लियर हो, मुझे जो चाहिए वो बात मेरे सामने आ जाए, तो ये करने के लिए बंदा प्रिपरेशन ले रहा है। ये कभी भी आ थमकेगा आपके तरफ, ये आने के बारे में सोच रहा है, साथ ही साथ उनको लग रहा है कि कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए। जितना आप रिहर्सल करोगे उतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा। जिस उसी तरीके से इनको लग रहा है कि डर, भय,
जो भी परेशानी है अपने अंदर की उसको खत्म करें, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस करें, फिर जाके आपको उस बात को बताना है जो ये आपसे बताना चाहते हैं। लेकिन ये अचानक ही आने के बारे में सोच रहा है। जिनके रिश्तों में बच्चों की बात है, जो बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी हैं, तो बच्चों की वजह से भी ये रिश्ते में रिकनेक्ट होना चाहते हैं। कभी कभी आपको बच्चों की एनर्जी में देखता है, उनको लगता है कि आप में मैच्योरिटी थोड़ा कम है, आप बच्चे जैसे बिहेव करते हो, हर बात को याद करके क्या फायदा। ठीक है, हम तो मैच्योर है तो हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। इस सोच के साथ ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। जो लोग अभी फैमिली प्लानिंग भी कर रहा है, उनके लिए भी ये है। जो बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके लिए है। जो परिवार वाले हैं, उनके लिए भी ऐसी सोच है। जो परिवार में नहीं है, लव रिलेशन में है, वो भी ऐसा सोच रहा है कि भाई बाय हुक और बाय क्रूक इस रिश्ते में मुझे फिर से एंट्री लेनी है और चीजों को सही करना है। और तीन तीन मेजर अरकाना डेफिनेटली एक मेजर चेंजेस होने जा रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के रिश्ते में जरूर होगी, क्योंकि एक साथ तीन कार्ड आना मेजर अरकाना की ये मामूली बात मैं तो नहीं समझती। खास करके सन के कार्ड, ये लियो का कार्ड, सन के कार्ड, स्ट्रेंथ के कार्ड एंड हर्मिट जो था, ये तो पूरी तरीके से सारे के सारे बहुत पावरफुल कार्ड है और प्रैक्टिकल कार्ड भी है और पॉजिटिव कार्ड भी है। तो चीजें पॉजिटिव होने शुरू हो जा रहा है। जो स्टकनेस था वो धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है। पहले रिश्ते स्टकनेस में चले गए थे, हॉमेट का कार्ड भी आया है, रुक गया था रिश्ता, स्लो हो गया था। तो धीरे धीरे उस रिश्ते को चलाने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश भी ये करेगा और जाके आपको अचानक से ये बोल देगा जो इनको बोलना है, जो इनको करना है, ये अचानक से करेंगे। मेजर कोई गुड न्यूज आपको ये देने वाला है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा आपकी आगे की है चाहत क्या हो सकता है, आप क्या चाह सकते हो आगे। एस ऑफ पेंटाकल्स, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आगे चल के रहेगी पैसों की, नई शुरुआत की, जैसा कि आप सोच रहे थे। तो एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप कुछ नए चीजों को फैंटसाइज कर रहे हो कि आपके लाइफ में अच्छे जॉब मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, अगर जॉब है तो उसमें प्रोमोशन मिल जाए, बहुत अच्छी तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके घर में रहे, आपके आपके दिमाग में फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है कि भाई मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। ये सब पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ नया करने जा रहे हो, नए जॉब, नए बिजनेस, रिश्ते में भी नयापन, पहले जैसे सोच के साथ अब रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाओगे। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, दिस इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। आप लोगों के जो रिश्ता है वो डेफिनेटली एक नए सर्कल में एंट्री कर रहा है। आप कितना भी खुद को रोक के रखो, कितना भी कोशिश करो, चीजें सही होके रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि आप अभी कुछ नए चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आगे चल के भी करोगे। वर्ल्ड का कार्ड आया, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोगों के रिश्ते में, जो अभी तक नहीं हुआ है, जो बाकी है, क्योंकि नो कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन, ये सब चीजें चल रहा था रिश्ते में। स्टकनेस, रुक जाना, बातें नहीं होना, दुखी रहना, परेशान रहना, एक बांडल ऑफ परेशानी आप लोगों के रिश्ते में थी। लेकिन ये कम होने जा रहा है, ये खत्म होने जा रहा है। आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी नया कुछ सोच रहे हो, अपने लाइफस्टाइल, अपने रिश्ते, अपने जो भी सिचुएशन है उसे चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। कभी कभी आपको ये लगेगा पैसे मिल जाए तो कहीं घूमने चले जाए, विदेश चले जाए। काम के सिलसिले में आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो। आप अपने फियांसे, हस्बैंड,
जिनके साथ आप रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, उनके साथ कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ में कुछ नया ऐसा करने के बारे में आप सोचोगे जो शायद आपने पहले नहीं किया, कुछ नया काम, नया बिजनेस जो आपको पहले ऐसा लग रहा था, अरे मैं लगेगा कि अरे मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा, तो कुछ नया इनोवेटिव आप कुछ करने के बारे में सोचोगे आगे चल के। जैसे आप हो वैसे नहीं रहोगे, जैसे आपकी स्थिति है चाहे लव लाइफ की हो चाहे पर्सनल लाइफ की हो, वो बदलते जाएंगे और आप अपने आप में नया कुछ इनोवेटिव चीजें करते जाओगे आगे चल के। रिश्ते में एक दोस्ती का माहौल आप क्रिएट करोगे। पहले बहुत ज्यादा इमोशनली आप सोचते थे, बहुत ज्यादा चीजों को दिल से लगा लेते थे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल तरीके से सोचने लग जाओगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। बहुत सारे मेजर अर्कना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशि आ जाते हैं इसमें। लिब्रा, आप खुद लिब्रा हो, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, क्या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्स, बहुत ज्यादा परेशानी दर्द झेलने के बाद कोई भी बंदा या बंदी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाएगा। तो अभी रिश्ते की आउटकम क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आया है, तो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि द मून फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स के साथ, अभी जो सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, मुझे जो इंट्यूशन हो रहा है, मुझे जो लग रहा है, अभी आप दिमाग से सोचने लग जाओगे, अभी आप पहले जैसे नहीं सोचोगे, अभी आप बात बात पे लड़ोगे नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, या फिर आपको ये लगेगा कि जो बंदा या बंदी झूठ बोल रहा है आप उस झूठ को पकड़ोगे, आप लड़ाई झगड़ा इन चीजों से खुद को दूर रखने की कोशिश करोगे, हमेशा दिमाग से सोचोगे, आपके सामने ना कोई झूठ टिक पाएगा, ना कोई बातें छुपा पाएगा, ना कोई चीजों में उलझ पाएगा। ऐसी स्थिति आप लोगों की रिश्ते में होगी। कुछ लोगों की रिश्ते में ऐसी स्थिति आएगी कि आप लोग झूठ को अपने लाइफ में रहने नहीं दोगे, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े लड़ोगे, झगड़ा करना पड़े झगड़ा करोगे। आपको ये लगेगा कि इनको ऐसी सबक सिखानी है कि ये कभी दोबारा से मुझसे झूठ ना बोले। आप किसी को डरा भी सकते हो कि मैं तुमको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन चीजों से रिश्तों में परेशानी आ सकता है। मैंने कहा ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा धक्के खाते हैं, प्रैक्टिकल चीजों को देखता है, लोगों की झूठ समझ में आ जाता है, लोगों की सच्चाई की जो झूठ की जो मुखौटे हैं वो खुल जाते हैं और वो लोगों को पहचानने लगते हैं, अपने साथ किए गए सारे बुरे बर्ताव को समझने लगते हैं, तब ये क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाता है। तो अभी आप लोगों की रिश्ता जो है ये क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाएगा। झूठ, फरेब, बातें छुपाना, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, कोई आए या कोई जाए किसी के लाइफ में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीजें सही होनी चाहिए। इसी सोच के साथ आप लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओगे अगले हफ्ते। अभी हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस क्या आता है आप लोगों की रिश्ते के लिए। झूठ से पर्दा उठेगा, झूठ बोलना बंद होगा, चाहे इसके लिए लड़ाई झगड़ा करनी पड़े, चाहे मेंटल कंफ्लिक्ट हो, चाहे परेशानी हो, लेकिन अभी और झूठ कोई नहीं सहेगा, कोई एक तो बिल्कुल भी नहीं सहेगा। धीरे धीरे दोनों में ऐसा हो जाएगा कि कोई किसी की झूठ सहेंगे नहीं, जो भी होगा आमने सामने होगा।
देखो कार्ड क्या है, बिग हैप्पी चेंजेस ऐसा होगा, क्योंकि जब चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी, जब झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब चीजें सही होना शुरू हो जाएगा, तो खुशियां तो दस्तक जरूर देगी आपके दरवाजे पर। इन चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ता अगर हम लोग विद इन फ्यू वीक्स ऐसा दिखाई दे रहा है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ये बिग हैप्पी चेंजेस विद इन फ्यू वीक्स, ये तो आज हुआ, आज मैंने बताया, कल ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ दिन लगेंगे, हफ्ते लग सकता है, जैसा मैंने रीडिंग कर रही हूँ अभी, हो सकता है अगले हफ्ते भी इसकी रेशियो रह जाए और आपके रिश्ते धीरे धीरे सही हो, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन रिश्ते में होने जा रहा है, चीजें सही होने जा रहा है, जो झूठ था, जो बातें छुपानी थी, जो फरेब थी, जो एक दूसरे के लिए जो शिकायत था, वो खत्म हो रहा है और रिश्ते में एक नया परिवर्तन आ रहा है और आप लोगों की लाइफ में भी एक नया परिवर्तन होने जा रहा है, चीजें पहले से बेहतर होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।